नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशांत एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे ठंडे जगहों के बारे में बताएंगे। ये वो जगहें हैं जहां का तापमान माइनस डिग्री में रहता है और ठंड अपने चरम पर होती है। कल्पना कीजिए बर्फ से ढके पहाड़, जहां हवा में ठंडक आपके चेहरे को चुभती है और सूरज भी मुश्किल से दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं धरती के उन छोरों की, जहां इंसान का बसना भी एक चुनौती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 जगहों की सैर करेंगे जहां सर्दी का सितम अपने चरम पर होता है। जानेंगे वहां के तापमान, भौगोलिक परिस्थितियों और वहां रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप, जहां बर्फ की चादरें मीलों तक फैली हुई हैं। यहां का औसत तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान किसी भी इंसान को हिलाकर रख सकते हैं। लेकिन प्रकृति की क्रूरता के बावजूद यहां पेंगुइन, सील और भेल जैसे जीव जीवन पाते हैं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित हैं, जहां ध्रुवीय क्षेत्रों पर शोध किया जाता है। यहां की बर्फ में पृथ्वी के इतिहास के कई रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप कभी अंटार्कटिका जाने की सोच रहे हैं तो आपको खुद को चरम परिस्थितियों के लिए तैयार करना होगा। रूस का विशाल भूभाग साइबेरिया अपने ठंडे रेगिस्तान और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां का ओम्याकोन गांव दुनिया का सबसे ठंडा बसे हुए स्थानों में से एक है, जहां तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साइबेरिया में लंबी सर्दियां और छोटी गर्मियां होती हैं। यहां के स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े, लकड़ी के घर और आग का इस्तेमाल करते हैं। साइबेरिया में भेड़िए, भालू, हिरण और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो यहाँ की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है, लेकिन यहाँ की ठंड को कम आंकना खतरनाक साबित हो सकता है। कनाडा का यूकोन क्षेत्र अपनी खूबसूरत उत्तरी रोशनी और बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यूकोन में घने जंगल, बर्फीले नदियां और झीलें हैं, जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यूकोन में आपको कारिबू, भालू, भेड़िए और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप कभी यूकोन जाने का मन बनाएं, तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अपने नाम के विपरीत बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ग्रीनलैंड में विशाल बर्फ की चादरें, हिमनद और बर्फीले पहाड़ हैं, जो यहाँ की भौगोलिक विशेषता है। यहाँ के स्थानीय लोग मछली पकड़ने और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रीनलैंड में आपको ध्रुवीय भालू, वॉलरस, सील और कई प्रकार के समुद्री पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। अगर आप ग्रीनलैंड जाने की योजना बना रहे हैं, तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करना न भूलें। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का अपनी जंगली सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अलास्का में ऊंचे पहाड़, हिमनद, ज्वालामुखी और घने जंगल हैं, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। अलास्का में आपको भालू, भेड़िए, मूस और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अलास्का जाने की सोच रहे हैं, तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड अपने ज्वालामुखी, हिमनद और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आइसलैंड में आपको कई प्रकार के भूतापीय क्षेत्र जैसे गीजर और गर्म पानी के झरने देखने को मिलेंगे। यहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। आइसलैंड में आपको पफिन पक्षी, भेड़ और घोड़े देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत रोचक हैं। अगर आप आइसलैंड जाने की योजना बना रहे हैं, तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। उत्तरी यूरोप में स्थित फिनलैंड
अपनी हजारों झीलों, घने जंगलों और बर्फीले इलाकों के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिनलैंड में आपको उत्तरी रोशनी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस फिशिंग जैसे अनुभव मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है। फिनलैंड में आपको भालू, भेड़िए, हिरण और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की संस्कृति और लोगों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर आप फिनलैंड जाने की सोच रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। मध्य एशिया में स्थित मंगोलिया अपनी घुमंतू संस्कृति, विशाल मैदानों और ठंडे रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगोलिया में आपको घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ईगल हंटिंग जैसे अनुभव मिल सकते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही अलग और रोचक हैं। मंगोलिया में आपको भेड़िए, भालू, हिरण और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। अगर आप मंगोलिया जाने की योजना बना रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। दक्षिण एशिया में स्थित नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों, खासकर माउंट एवरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हिमालय क्षेत्र सर्दियों में बेहद ठंडा रहता है, जहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नेपाल के हिमालय क्षेत्र में आपको ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और प्राकृतिक सुंदरता का खूब लुत्फ उठाने को मिलेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन पहाड़ी इलाकों के अनुकूल होता है। हिमालय क्षेत्र में आपको हिम तेंदुआ, भालू, भेड़िए और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। अगर आप नेपाल के हिमालय क्षेत्र जाने की योजना बना रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान अपनी अद्वितीय संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। भूटान में आपको ऊंचे पहाड़, घाटियां, नदियां और घने जंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ के बौद्ध मठ और प्राचीन किले अपनी एक अलग ही खूबसूरती बिखेरते हैं। भूटान में आपको हिम तेंदुआ, लाल पांडा, काला भालू और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है। अगर आप भूटान जाने की योजना बना रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए पूरी तैयारी करके जाएं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ठंडे जगह। ये जगह अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद प्रकृति के अद्भुत नजारे पेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल दिशांत एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें।